हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे वेलकम बैक टू या चैनल जेके एस पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल तो जैसे कि आपको पता है हमने पॉलिटी का जो जो सब्जेक्ट है इसके इसके लिए एक सीरीज़ शुरू की थी तो एक लेक्चर मैंने दिया है तो ड्यू टू योर ट्रिपेंडस सपोर्ट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ ठीक है सो टूडे वी विल स्टडी वेयर प्रोविजन ऑफ द कंस्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज ठीक है देखो अगर हम प्रेमबुल की बात करेंगे प्रेमबुल कहाँ से लिया गया है यू एस ए ठीक है ऐसे ही कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ठीक है कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रविलेज एनश्राइनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इच कंट्री वो है हमारा ब्रिटेन ठीक है तो अगर प्रेमबुल आए वो है यू एस ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो है ब्रिटेन अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो है हमारा यू एस ए ठीक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हेज बीन बारोड फ्राम ब्रिटेन वाई दैट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ फ्राम जापान ठीक है द प्रोविजन ऑफ कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बी अडोट फ्राम विच कंट्री साउथ अफ्रीका कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है तो वो हमारा साउथ अफ्रीका तो आपको आप याद रखना है प्रेम बल यू एस ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रिटेन फंडामेंटल राइट यू एस ए कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका प्रोविजन फार इमरजेंसी देखो एमरजेंसी जर्मनी से ठीक है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल जो कि हमारी पार्ट थर्ड में है ठीक है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से लिया है यू एस ए बिल ऑफ राइट ठीक है तो फंडामेंटल बोला मैंने द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट ठीक है एक पता है स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट ठीक है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्राम इच कंट्री ऑस्ट्रेलिया ठीक है कंकर्ंट लिस्ट इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज हाईली इन एसपेट फ्राम कंट्री ब्रिटेन ठीक है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच अंडर कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन ठीक है देखो इंपॉटेंट है याद रखना इंडियन कानसट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द कन्सेप्ट ऑफ़ प्रोगेटिव रिट्स फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ बेस्ड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट अंडर आटिकल 32 एंड हाई कॉर्ट हाई कॉट्स अंडर आर्टिकल टू कैन इशू इीट इन केस ऑफ वाइलेशन द फंडामेंटल रिट इज वर्स्ट यूज टू रिटर्न कमांड ऑफ द किंग ठीक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मैंटेनड इन द इंडियन पॉलिटी थ्रू विच पॉलिटिकल फिलासफी डॉक्टर ऑफ पावर्स ठीक है पॉलिटिकल थिंकर हू प्रोपाउंड द पावर्स ठीक है तो हमारा मोन्ट एंड एटी सेंचुरी फ्रेंच सोशल एंड पोलिटिकल फिलासफर्टी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं देखो सोर्स और प्रोविजन बार हो ठीक है आयरलैंड से क्या लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स देखो इरिश से क्या लिया है हमने मेथड ऑफ़ इलेक्शन प्रेसिडेंट को अगर इलेक्ट करना है तो वो मेथड कहाँ से लिया है इरीश से ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डी एस पी एस एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी ऑफ द गवर्नर यहाँ से क्या लिया है हमने गवर्नर फेडरलिजम इमरजेंसी जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है यूएसए एस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है जुडिशरी इंडिपेंडेंस फंडामेंटल राइट जुडिशल रिव्यू इमपीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट एंड रिमूल ऑफ जजेसप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रेम विल भी यहाँ से लिया जो मैंने अभी बताया ठीक कैनाडा से क्या लिया है रेस्डोरी पावर ऑफ देंटन विद स्ट्रग सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ठीक है यू के कंस्टिट्यूशन से क्या लिया लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो यू के से लिया है ठीक है सिंगल सिटीजनशिप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैबिनेट सिस्टम बाई कैमरलिजम ठीक है यू एस एस आर ठीक है रशिया जो पहले यू एस एस आर हुआ करता था ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लानिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल आइडियाल ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल ठीक है ऐसे आपको पता होगा यू एस एस आर और यू एस ए के दरमियान पहले पहले कोल्ड वार चलता था ठीक है तो फिर क्या हुआ जो एस एस आर जो है वो अंदर से कमज़ोर पड़ गया तो वो सपरेट हो गया ठीक है चलो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सभा ठीक है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक आइडियाज़ ऑफ लेबर्टी इक्वलिटी एंड फ्राइटर्निटी ठीक है <coughs> वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी कहाँ से लिया है? वो हम फ्रेंच से ठीक है ऑस्ट्रेलिया जो अभी बताया मैंने कंकर्न लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ द दाउस ठीक है जर्मनी ट्रेड ऑफ कामर्स इफेक्ट ऑफ एमरजेंसी आन फंडल राइट जापनीज से क्या, क्या लिया प्रोसीजर एस्टेबलिश बाई लॉ ठीक है तो अब हम और एक पॉइंट पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज मेड रेस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन विच पोलिटिकल फ़िलासफी तो वह हमारा सिस्टम ऑफ एंड बैलेंस ठीक है एग्जीक्यूटिव इज मेड रेस्पॉसिबल टू दी लेजिस्लेचर ठीक है ये याद रखना सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस ठीक है अब हम और एक पॉइंट देखते हैं मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन इज डेयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन थर्टी फाइव सही चलो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है देखो इसके रिलेटेड आर्टिकल्स ठीक है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो और फिर इसके रिलेटेड आर्टिकल ठीक है किस पार्ट में कौन से आर्टिकल आते हैं अगर हम पहला पार्ट देखें तो वो है हमारा यूनियन एंड टेरीटेज़ वन टू फोर आर्टिकल इसमें आते हैं ठीक है दूसरे पार्ट में आता है सिटीज़नशिप फाइव टू अलेवन ठीक है फंडामेंटल राइट्स तीसरे पार्ट में आता है ट्वेल्व टू थर्टी फाइव आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं डी पी एस पी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर फोर में आता है थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन ठीक है बस ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं ठीक है पार्ट नंबर फोर है इसमें हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ फिफ्टी वन एंड फिफ्टी वन ठीक है इसके साथ डील करता है ठीक है पार्ट नंबर फिफ्टी में आता है हमारा द यूनियन फिफ्टी टू टू वन फिफ्टी वन ठीक है द स्टेट पार्ट नंबर सिक्स में इसके साथ वन फिफ्टी टू 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 थर्टी सेवन इसके साथ डील करते हैं रिपीलड बाई सेक्शन ट्वेंटी नाइन एंड शेडूल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनमेंट एक्ट नाइन फर्स्ट फस्टूल टू थर्टी एट ठीक रिपील्ड द यूनियन टेरीटेरीज़ टू थर्टी नाइन टू फोर्टी टू ऐसे ही नाइन्थ पार्ट पंचायत बाकी आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है पंचायत नाइन्थ पर हमारा पंचायत में आता है जिसमें आर्टिकल टू फोर्टी थ्री है टू फोर्टी थ्री ओ ठीक है म्यूनसपलिटी इज़ नाइन ए जिसमें साथ टू फोटी थ्री पी टू फोर्टी थ्री जड़ जी अपने म्यूनसपलिटी पढ़ा होगा जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एबोड में मेट्रोपोलिटन सिटीज़ बोला गया है एटसट्रा ठीक वो आप देख सकते हो नाइन ए म्यूनसिपल नाइन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है इसके साथ आप मैं जूम करता हूँ आप देखना ठीक है टेन सो पार्ट टेन आपने देख लिया देख लिया शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऐसे ही पार्ट एलेवन है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स टल्थ है फाइनानस प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट एंड शूर्स थर्टीथ है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फोटी है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट ऐसे ये फोटी ए फिफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्टी एलेक्शनज़ के रिगार्डिंग है ठीक है सिक्सटी सेवनटीन ऑप्शन लैंग्वेज ठीक है एटीथ इमरजेंसी प्रोविजन्स ठीक है नाइन टीथ जो है वो हमारा मिसलिन ऐसे ये ट्वेंटी थे अमेंडमेंट ऑफ़ दानस्टिट्यूशन ये भी याद रखना है आपको ठीक है ऐसे ही ट्वेंटी वन है ट्वेंटी टू है ठीक है तो अगर हम देखें ये ट्वेंटी टू पार्ट बट अगर, अगर एट प्रेजेंट हम देखेंगे ना तो इस वक्त हमारे पास है ट्वेंटी फाइव पार्टस एंड फोर हंड्रेड सेवेंटी आर्टिकल्स ठीक है ये भी याद रखना है ठीक है पहले हमारे पास ट्वेंटी टू पार्टस थे ठीक है एट शेडूल्स थे फिर ट्वेंटी फाइव पार्टस हो गए ठीक है ट्वेल्व शेडूल्स हो गए ठीक है ऐसे ही थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे फिर फोर सेवेंटी हो गए ठीक है so, सो कल हम देखेंगे शेडूल के रिकॉर्डिंग ठीक है सो ये वेरा शेडूल है सो अगर आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आप कंटिन्यू कीजिए तो मैं कंटिन्यू करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग